नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8वीं में जहाँ पर एडमिशन मिलता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC। देखिए, ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है। इसमें एडमिशन की एक प्रक्रिया है, ये एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या योग्यताएं इसमें रखनी होती हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, इसमें कक्षा 8वीं में एडमिशन लिया मिलता है और कक्षा 8वीं में एडमिशन मिलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो एज का है, यानी इस जो RIMC है यहाँ पर एडमिशन दो सत्र में चलता है, एक तो जनवरी वाले सेशन में चलता है और एक जुलाई वाले सेशन में आपको एडमिशन मिलेगा। तो 1 जनवरी से सेशन शुरू होगा और 1 जुलाई से सेशन शुरू होगा, यानी अगर आप जिस सेशन में एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं उस सेशन के, अगर आप जनवरी में जाना चाहते हैं तो 1 जनवरी, और अगर आप जुलाई में जाना चाहते हैं तो 1 जुलाई। उस दिन आपकी एज 11.5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 11.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तक होनी चाहिए, 13 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 11.5 वर्ष आपको 1 जुलाई या 1 जनवरी को होने चाहिए एडमिशन जिस दिन आपका लिया जाएगा, और 13 वर्ष यानी 13 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है, अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो देखिए, 2 सेशन के लिए इसमें एडमिशन लिया जाता है और एडमिशन मिलता है 25-25 कैडेट्स को, 25 कैडेट्स को जनवरी वाले सेशन में और 25 कैडेट को जुलाई वाले सेशन में एडमिशन मिलता है। और इसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है इसकी पूरी। वो प्रोसेस क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम से गुजरने के बाद आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, या वाइबा जिसे कहा जाता है, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट जहाँ पर होगा, कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पर जाँच की जाएगी, और तीसरा जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन तीनों चरण में जो पूरा हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर फिर जिसके जितनी सीटें हैं उसके अनुसार सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। इंग्लिश का जो पेपर है वो 125 मार्क्स का होता है और 2 घंटे इसकी ड्यूरेशन होती है। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और इसकी ड्यूरेशन 1.5 घंटे है। और तीसरा जो पेपर है वो GK जनरल नॉलेज का पेपर है, 75 मार्क्स का होता है, 1 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। इन तीनों पेपर्स में जो कैंडिडेट 50% मिनिमम होना चाहिए, 50% वाला ही पास माना जाएगा या उससे ज़्यादा वाला, उससे कम वाला पास नहीं माना जाएगा। तो 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा जिसके आते हैं तो उनके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएंगे। फिर इंटरव्यू यानी वाइबा जो होगा, उस वाइबा में जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है और कम्युनिकेशन स्किल आपकी जांची जाएगी, और इसमें भी आपके 50% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। आपके 50% मार्क्स इंटरव्यू में आ जाते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा किसी MH में जो सेलेक्ट किया जाएगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, और वहाँ पर यदि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका मेडिकल जो टेस्ट है वो भी पास हो जाते हैं आप, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट हैं वो तीनों चरण को, तीनों लेवल को पार करने के बाद उनका मेरिट बनेगा और उस मेरिट बनने के बाद सिलेक्शन होगा। जो 25 सीट्स हैं उनके उनके लिए सिलेक्शन होगा, स्टेट वाइज सिलेक्शन होगा। हर स्टेट के लिए क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी, स्टेट वाइज मेरिट बनेगी। तो हो सकता है किसी स्टेट की मेरिट ज़्यादा जाए, किसी स्टेट की कम जाए, तो इस प्रकार से सिलेक्शन है। पहली बात कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, बॉयज़ के लिए है। अगर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को आप देखेंगे तो जब ब्रिटिश पीपल थे यहाँ पर, ब्रिटिश लोग थे, तो
तो उस वक़्त 1922 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, स्थापित हो गया था देहरादून में। और इसका मकसद यही था कि जो ट्रेनिंग है वो इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि जो अच्छे डिफेंस ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर हमारे पास सैनिक सैनिकों के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किस क्लास में होना चाहिए, तो जाहिर तौर पे 8वीं क्लास में एडमिशन अगर आप ले रहे हैं तो 7वीं क्लास में या तो बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए या बच्चा 7वीं पास कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बच्चे का एडमिशन होगा तो तब 7वीं पास हो जाना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। फॉर्म भरते वक्त 7वीं में पढ़ा हुआ बच्चा भर सकता है यदि उसकी एज 11.5 से वर्ष से ज़्यादा है और 13 ईयर्स से कम है। लेकिन जिस दिन वो एडमिशन लेगा, जनवरी में या वाले सेशन में या जुलाई वाले सेशन में, तो उस दिन उसका कंप्लीट होना चाहिए 7th क्लास, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, मान्यता प्राप्त स्कूल से पूरा होना चाहिए। इस टाइप से ये इसका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि इसमें एडमिशन किस प्रकार से लिया जाए। तो जो पेरेंट्स हैं वो इस प्रकार से तैयारी करके बच्चे को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा अवसर है। 25 कैडेट्स हैं और इसमें लगभग लगभग श्योरिटी है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ डिफेंस के लिए तैयार किए जाते हैं, ये डिफेंस के लिए इसमें ट्रेनिंग होती है डिफेंस के हिसाब से। लेकिन अगर किसी की इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है या अदर फील्ड में है, तो वो वहाँ पर जा सकता है, जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर जा सकता है 12वीं पास करके। तो ये 8वीं से लेके 12वीं तक का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है और वहाँ पर 25 कैडेट को जनवरी वाले सेशन में लिया जाता है और 25 कैडेट्स को जुलाई वाले सेशन में लिया जाता है। इस टाइप से टोटल 50 कैडेट्स पूरे एक ईयर में लिए जाते हैं, दो सेशन को मिला के। तो ये एक बड़ा क्रूशल मौका है कि इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा इसमें चयन पाया जा सकता है। यदि आपका कोई सवाल है पेरेंट्स का या किसी स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे।